हेलो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देखते हैं। टेम्परेचर किसी भी ओपन रूम का जिसका वॉल्यूम गिवन है, इसको इंक्रीज कर दिया है 17 से लेकर 27 तक। ठीक है, ध्यान रखना ये सेल्सियस में वैल्यूज दे रखी हैं बिकॉज ऑफ सनशाइन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट बोला है। कहने का मतलब है उसने वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के दोनों टर्म्स को पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कॉन्स्टेंट मानकर सॉल्व करना। ठीक है, और एन आई और एन एफ को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर और आफ्टर बताया और उनका डिफरेंस मांग लिया है। एक बात का ध्यान रखना, जब अपन एन को स्टडी करते हैं थ्योरी में तो इसको अपन लोग मोल्स से पढ़ते हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्मॉल मतलब छोटे वाले एन को मॉलिक्यूल अज्यूम करने को बोला। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन में नहीं आना है अपन को, राइट बेटा। तो एन आई और एन एफ, यहां देखो डिफरेंस पूछा है मॉलिक्यूल का। अगर अपन इसको आइडियल गैस से सॉल्व करने की कोशिश करें तो पी वी बराबर एन आर टी समझ में आता है। फिर वही कंफ्यूजन की, सर ये तो आप लोगों को मोल्स पढ़ाया गया और यहाँ मॉलिक्यूल की बात करिए, तो आखिरी में अपन कन्वर्ट कर लेंगे जो बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कहता है अपन को एन का जो टर्म लगेगा हाथ अपने, वो हो जाएगा बच्चों पी वी डिवाइड बाय एक आर टी का टर्म लगेगा। ये कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को कॉन्स्टेंट लेने को बोल दिया और सारी कहानी इस पे आ जाती है। ठीक है, तो अगर अपन लोग पढ़ते हैं इसको n of f minus n of i, ध्यान रखना मैं अभी मोल्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ऐसा लिख के समझना मत कि सर डायरेक्ट आंसर लाने वाले हैं, ये मोल्स के लिए सॉल्व हो रहा है अभी। तो हो जाएगा pv divide by r और यहाँ लिखना होगा 1 upon temperature जो फाइनल का है और minus 1 upon temperature जो इनिशियल का है, राइट। प्रेशर दिया हुआ अपन को 10^5, वॉल्यूम दिया हुआ अपन को ऐसा ही में सीधा रख देते हैं। आर को अपन जानते हैं 25 डिवाइड बाय 3 का एक टर्म आता है, और सिमिलरली इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है, ये फाइनल है। तो यहाँ लिखा है 27, इसका मतलब हो जाएगा इसको लिखना चाहिए 300 और 17 का मतलब हो जाएगा, ऐड करोगे 273 में तो हो जाएगा यहाँ पर 290, राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 बाहर निकाल लोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, ये 10^5 इंटू ये ऊपर आ गया 3, एक 30 भी मिलेगा मुझे, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 25 इंटू 10, और ये टर्म जो बन रहे हैं वो हो जाएगा 29 माइनस 30 डिवाइड बाय 30 इंटू आ रहा है अपना आंसर 29। ठीक है, इन टर्म को कैंसिलेशन में रख देते हैं, इससे ये भी चला जाएगा और आपका आंसर अब आ गया। फाइनल माइनस इनिशियल ये हो जाएगा बच्चों 3 × 10^4, और एक माइनस का टर्म यहाँ से मिलने लग जाएगा, -1 तो मैं ये कर देता हूँ, और ये हो रहा है बच्चों 25 × 29। ध्यान रखना ये चीज क्या है, मोल्स। एग्जाम में क्या मांगा गया आपसे, मॉलिक्यूल्स, तो लिख लेते हैं अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनल माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियल विल बी माइनस ऑफ 3 × 10^4 डिवाइड बाय 25 × 29। इसको सिर्फ अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, एक नेगेटिव का टर्म तो आ रहा है, और ये चीजें अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपको ये हाथ लगेंगी 2.48 × 10^25, और कहीं ना कहीं अपना आंसर 2.5 × 10^25 है ना। ये थोड़ा सॉल्व करना है अपन को यहाँ पे, फिर ऑप्शन नंबर 4 अपना सही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान कहाँ रखना है, बस ये कंफ्यूजन वाली लाइन है, ये मोल्स अपन पढ़ते हैं और यहाँ इसको मॉलिक्यूल लेने को बोला। ठीक है, ऑप्शन 4 आ रहा बेटा। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।